तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैज़ान, आप देख रहे हैं PLX फैज़ान वीडियो के साथ मैं फिर आज हाजिर हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा ऑडियोनिक हमर H9 सोलो X50 के बारे में। तो क्या डिफरेंस है, क्या सिस्टम है, दोनों में क्या क्या फ़र्क है, रेट का क्या फ़र्क है, क्वालिटी का क्या फ़र्क है, लुक का क्या फ़र्क है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो लास्ट तक। सबसे पहले हम बात कर देते हैं हमर H9 की। तो ये हमर H9 ये जो है कम से कम 5 से 6 महीने पहले इन्होंने लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छा और काफ़ी गुड लुकिंग स्पीकर है और दोनों रिचार्जेबल स्पीकर हैं। डीलर को भी दिया है, कंपनी के जो डीलर होते हैं उनको भी दिया है सोलो X50। अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें जो TWS सिस्टम है उसमें भी TWS सिस्टम है। इसमें जो है इन्होंने RGB लाइटिंग दे दी है और सेंसेशनल लाइट शो दिया है, 360 डिग्री कलरफुल लाइट, यानी कि राउंड लाइट है इसमें। स्क्वायर शेप में इसमें इन्होंने बनाया हुआ है और सर्किल में बनाया हुआ है, मतलब राउंड शेप में बनाया हुआ है, जिस तरीके से आपने वो देखा होगा शुगर 20 पैनल वगैरह दोनों का ऊपर है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, माइक दोनों में है, माइक भी है, वाइड माइक भी है और दोनों में रिमोट नहीं है। बस एक चीज़ का इसमें इन्होंने रिमोट नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं आपको दोनों को सामने फ्रंट पे रख के फिर मैं आपको बताऊंगा क्या रेट है दोनों के, क्या क्वालिटी है, किस तरीके का है, क्यों दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने दोनों को मैंने अनबॉक्स कर दिया है। आप देखें दोनों का लुक देखें कितना अलग है। इसका लुक जो है सोलो X50 का लुक अलग है और हमर H9 का लुक अलग है। हमर H9 में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इसमें इन्होंने जो है प्लास्टिक दे दी है यहाँ पे स्पीकरों के ऊपर और यहाँ पे इन्होंने सेंसेशनल लाइट दी हुई है, RGB लाइटिंग दी हुई है और इसमें लाइटिंग जो है राउंड लाइट दी हुई है और पूरी ग्रिल दी हुई है सही। और लुक में भी काफ़ी अच्छा ये लग रहा है मुझे। और ऐसे राउंड में दिया हुआ है सिस्टम सारा, इसमें इन्होंने पीछे दिया हुआ है और बटन वगैरह सब इसमें जो है फ्रंट पे दिए हुए हैं। और H9 में सिस्टम यहाँ पे सारा दिया हुआ है और USB कार्ड वार्ड का भी सिस्टम सारा यहीं पर ही दिया हुआ है और बटन भी दिए हुए हैं सारे। और इस बटन ये ऐसे करके ये ऑन हो जाता है और Audionic, the sound master. और इसका जो है बटन इस तरीके से Audionic, दोनों का लुक अलग है। उसकी हाइट ज़्यादा, इसकी हाइट कम है, वेट में भी ये थोड़ा हल्का है, ये वेट में भारी बना हुआ है क्योंकि इस तरीके से बनाया हुआ है जो इसकी लुक बहुत प्यारी देगी। इस तरीके से लुक दी हुई है जैसे MH 50-50 में लुक दी थी ना, इस तरीके से थोड़ी सी लुक इसकी दी हुई है और सिस्टम बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। और अगर हम बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो तकरीबन बैटरी बैकअप का दोनों का तकरीबन सेम बैटरी बैकअप है, 2.5 से 3 घंटे बैटरी बैकअप आता है। और अगर हम वॉइस की बात करते हैं, आवाज़ कम है, इसकी आवाज़ ज़्यादा है सही, इसकी आवाज़ कम है। और ब्लूटूथ USB कार्ड मोबाइल FM सब में दोनों में काम करता है। और अगर हम बात करते हैं माइक की आवाज़ भी, इसकी आवाज़ ज़्यादा है माइक की, इसकी आवाज़ कम है थोड़ी। और अगर हम रेट के बारे में बात करते हैं तो रेट जो है इसके कम है, आपको मिल जाएगा 6-6.5 हज़ार रुपये में और इसके रेट 7-7.5 हज़ार से देके 8 हज़ार रुपये तक में मिल जाएगा। क्योंकि इसकी वही मैंने बताया कि आवाज़ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, साउंड तेज़ है इसका साउंड कम है। तो ये है कि दोनों मॉडल नए हैं, अब आपको आप चूज़ करें। और साउंड का भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।